एक दिन की बात है, अभिनेश अपनी माँ अनिता राज के पास आकर कहता है, माँ मैं निमरित कौर से बेहद प्यार करता हूँ, अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ उसी से ही शादी करूँगा। तभी अनिता उसे डांटते हुए कहती है, नहीं, हमने तुम्हारे लिए कृतिका नाम की एक खूबसूरत लड़की को पसंद किया है, तुम्हें कृतिका से ही शादी करनी होगी। इसके बाद अभिनेश काफी दुखी होकर निमरित से सारी बातें बताता है। वहीं निमरित कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे तुमसे ही शादी करनी है। इसके बाद अभिनेश को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। इस तरह कुछ दिन बीतने के बाद अभिनेश की फैमिली अभिनेश की शादी कृतिका से करने की तैयारी करते हैं, लेकिन बेचारा अभिनेश इस सिचुएशन में अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी किसी अनजान व्यक्ति ने उसे कॉल करके बताता है कि उसकी फैमिली और गर्लफ्रेंड को किसी ने ट्रेन के पटरी पर बांध रखा है। ये बात सुनने के बाद अभिनेश दौड़ता हुआ ट्रेन लाइन की ओर जाता है और वहाँ पर देखता है कि ट्रेन की एक पटरी पर उसकी गर्लफ्रेंड और दूसरी पटरी पर उसकी फैमिली बंधी हुई है। ऐसे में अभिनेश के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो या तो अपनी फैमिली को बचाएगा या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को। तो दोस्तों, अगर आप अभिनेश की जगह होते तो आप सबसे पहले किसे बचाते? आप हमें इन 10 सेकंड के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर आइए देखते हैं अभिनेश सिचुएशन में सबसे पहले किसे बचाता है। फैमिली और गर्लफ्रेंड में से अभिनेश सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड निमरित कौर को बचाएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभिनेश की फैमिली जिस पटरी पर बंधे हुए हैं, उस पटरी की ओर ट्रेन नहीं आ सकती है, क्योंकि ट्रेन की लाइन सीधा निमरित कौर की ओर है। इसलिए वो पहले निमरित को बचाएगा, उसके बाद अपनी फैमिली को। वेल, तो दोस्तों आपको इसमें ये बताना है कि अभिनेश को किस शख्स ने कॉल किया था और अभिनेश की शादी किससे होगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और पहेलियों से भरी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।